शादी के बाद अनुष्का शर्मा की पहली फिल्म परी 2 मार्च को रिलीज़ होने वाली है। एक एक करके फिल्म के कई टीज़र रिलीज़ किए गए हैं। फिल्म में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का VFX यूज़ किया गया है। फिर भी फिल्म का बजट सिर्फ 18 करोड़ ही है। आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज़ से पहले ही 10 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। बता दें कि फिल्म का बजट 10 करोड़ रुपए है और इसके प्रमोशन पर 8 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। फिल्म के सैटेलाइट म्यूजिक डिजिटल राइट्स 10 करोड़ रुपए में बिके हैं। इस तरह से फिल्म का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पहले ही निकल चुका है। फिल्म को अनुष्का शर्मा और उनके भाई कर्णेश शर्मा की प्रोडक्शन कंपनी क्लीन स्लेट फिल्म और क्रियर्स एंटरटेनमेंट ने मिलकर प्रोड्यूस किया है। अनुमान के मुताबिक फिल्म पहले दिन 6 करोड़ रुपए कमा सकती है। इस तरह से 2 दिन में ही फिल्म 8 करोड़ से ज़्यादा की कमाई कर अपना बजट वसूल लेगी। अनुष्का ने अपनी पिछली फिल्म फिलौरी और एनस 10 के साथ भी ऐसा ही किया था। होली के कारण फिल्म को लंबा वीकेंड मिला है, जिसका फ़ायदा इसके बिजनेस को ज़रूर मिलेगा। ये एक हॉरर फिल्म है और इससे आशा कर सकते हैं कि ये राष्ट्रीय का रिकॉर्ड तोड़ बॉलीवुड की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हॉरर फिल्म बन सकती है। और बॉलीवुड अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें बॉलीवुड जंक्शन।